हेलो फ्रेंड्स, मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी या मिक्स, ये क्या होता है? मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी इज अ सर्जरी जिसमें हम लोग ब्रेस्ट बोन जो स्टर्नम होती है उसको कट नहीं करते और थोरैक्स यानी ब्रेस्ट के नीचे कहीं पर भी 4 से 5 सेंटीमीटर का इंसिजन लगाकर सर्जरी करते हैं। इसमें बाईपास सर्जरी, वाल रिप्लेसमेंट और काफ़ी कंजेनाइटल सर्जरीज जैसे ASDs, PAPAVC वगैरह काफ़ी ऑपरेट हो सकते हैं। इसमें क्या बेनिफिट है? मेन बेनिफिट है इसका कि हमें ब्रेस्ट बोन कट नहीं करनी पड़ती, जिससे पेशेंट को जल्दी हीलिंग होती है, पेशेंट का रिकवरी टाइम बहुत कम रहता है और पेशेंट अपने काम पर लगभग 10 से 15 दिन में वापस जा सकता है। पेशेंट का ब्लड लॉस काफ़ी कम रहता है और उसे ब्लड ट्रांसफ्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा, उसका ICU स्टे काफ़ी कम रहता है। बोन हील होने में 6 से 8 हफ्ते लगते हैं और इसमें बोन कट नहीं होती, इसलिए पेशेंट को पेन भी बहुत कम रहता है। क्या मिनिमल इन्वेसिव हर एक पेशेंट में हो सकती है? उसके लिए पेशेंट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी पेशेंट को हम मिनिमल इन्वेसिव प्रोवाइड नहीं कर सकते, बट हर एक सर्जरी को मिनिमल इन्वेसिव किया जा सकता है। थैंक यू।